तो ये वो माइनक्राफ्ट की इंचेंटमेंट है जिसे हर माइनक्राफ्ट प्लेयर इग्नोर ही कर देता है। तो पहले नंबर पे आती है नॉकबैक। नॉकबैक इसलिए अवॉइड की जाती है क्योंकि ये ऑब्वियसली हर चीज को नॉकबैक देखती है, और अगर हम किसी स्केलेटन को मारेंगे तो ये वो दूर चल जाएगा और उसके बाद वहां से ही शूट करेगा, इसलिए ये शायद कम पसंद आती है माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को। और दूसरे नंबर पे आती है अपने कर्स ऑफ वेनिशिंग। कर्स ऑफ वेनिशिंग अपने हार्डकोर प्लेयर वालों के लिए तो कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर सर्वाइवल प्लेयर के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये किसी भी टूल या आर्मर पे होगी वो मरते ही गायब हो जाएगा। हार्डकोर में तो ऐसा सीन ही नहीं है मरने का पूरा वर्ल्ड ही गायब हो जाएगा, इससे क्या मतलब। तो इसके बाद आती है अपनी कर्स ऑफ बाइंडिंग। कर्स ऑफ बाइंडिंग हार्डकोर प्लेयर के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वहां पर अगर इसको एक बार पहन ले, और वैसे ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकती है क्योंकि अगर हमको किसी आर्मर का अपग्रेड करना हो तो वो हमको उसको उतार नहीं सकते, हमको सिर्फ उनको तोड़ना ही पड़ेगा यूज कर करके। अब चौथे नंबर पे आती है अपनी बीन ऑफ ऑर्थ्रोपोड। तो दोनों का अटैक सेम है, सिर्फ ये स्पाइडर को वन शॉट कर सकती है, और अगर नॉर्मल वाली से मारे तो ये टू शॉट करेगी स्पाइडर को। तो सनसेट होने से पहले सब्सक्राइब कर लो।